आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के मोती बाबा मंदिर के पास सोमवार की सुबह एक नए नवेले दरोगा जी को प्राइवेट बस कंडक्टर को पीटना भारी पड़ गया। दरोगा जी द्वारा कंडक्टर को पीटता देख बस में सवार छात्र भड़क गए। प्रमोशन के नशे में मदहोश दरोगा जी को छात्रों ने घेर लिया और मोबाइल से वीडियो बनाते कंडक्टर को पीटने का कारण पूछने लगे। इस पर दरोगा जी बौखला गए और छात्रों को धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, दरोगा जी जिस बाइक से थे उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। छात्रों ने दरोगा जी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार कंदरापुर में तहबरपुर होते हुए इलाहाबाद तक एक प्राइवेट बस जाती है। सोमवार की सुबह बस तहबरपुर थाने से थोड़ी दूर मोती बाबा मंदिर पहुंची थी कि प्रमोशन पाकर दरोगा बने थे थाने के दीवान ने बस परिचालक को रोका और अपनी खटिया सहित अन्य सामान लादकर बर्दह पहुंचाने को कहा। परिचालक ने उसका भाड़ा मांगा तो दरोगा साहब ने अपनी अकड़ दिखाते हुए परिचालक को थप्पड़ मार दिया। इस पर बस में सवार छात्र भड़क गए और दरोगा को घेर कर मारने का कारण पूछने लगे। इस पर दरोगा अपनी बाइक पर सवार होकर भागने का प्रयास करने लगे तो छात्रों ने घेर लिया और काफी देर तक रोके रहे और वीडियो बनाते रहे। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि बुढ़लपुर सीओ से जांच करवाकर जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहाँ कुछ आपस में कुछ वीडियो मैंने भी देखा, कुछ आपस में कहा सुनी की बात है और एक बस की ये कुछ सवारियाँ हैं जिनसे विवाद हो गया था। दौड़ाने वाली बात वीडियो मैंने देखा, दौड़ाने वाली बात उसके अंदर नहीं है। फिर भी मैंने सीओ बुढ़नपुर को उसकी जांच करने के लिए कहा है और जांच कर कार्रवाई इसमें होगी। अब देखिए, ये जो भी चीज़ जाँच में आएगी उसमें जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चारपाई की बात कहीं वीडियो में आई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विवाद का विषय है उसमें दोनों पक्ष की जांच में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जो जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।